तो दोस्तों कैसे हो आप, कैबरी टॉप पे कितना भरोसा करें आपको यह वीडियो देखने के बाद खुद में खुद पता चल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम BSF कंपनी के कैबरी टॉप फंजीसाइड के बारे में बारीकी से जानेंगे। इसमें कैबरी टॉप का कंटेंट, रेन पासनेस, ये किन किन फसलों में क्यों इस्तेमाल करते हैं, कौन से रोगों पर कैसे काम करता है, फ्लावरिंग में इसका स्प्रे करें या ना करें, कॉम्बिनेशन कैसे करें, इसका डोज, इसका दाम और अंत में आज की खास बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। कैबरी टॉप में पायरेक्लोस्ट्रोबिन 5% और मेटराम 55% WG फॉर्म में उपलब्ध है। दोस्तों सच कहा जाए तो आज के दौर में इसका इस्तेमाल फसल को सशक्त करने के लिए टॉनिक के रूप में किया जाता है। जो खराब मौसम में कोई और टॉनिक या प्लांट बूस्टर इस्तेमाल करने से अच्छा ही है कि कैबरी टॉप का स्प्रेइंग करें। मेरा मतलब खराब मौसम में हमने यदि टॉनिक का स्प्रे लिया तो फसलों की पत्तियां पतली होकर रोगग्रसित भी हो सकती है। उसे अच्छा कैबरी टॉप से फसल को हरा भरा और सशक्त करना अच्छा है, क्योंकि ये कम से कम फंजीसाइड होने के कारण फसल को प्रोटेक्ट तो करता है। संक्षिप्त में कैबरी टॉप सिर्फ और सिर्फ सिस्टेमिक और प्रिवेंटिव फंजीसाइड है, जो सिर्फ आने से पहले काम करता है, रोग आने पर इसके भरोसे ना रहे। दोस्तों हम यहाँ किसी भी कंपनी या प्रोडक्ट की अच्छाई और बुराई नहीं करते, हम सिर्फ आपके लिए प्रोडक्ट के बारे में सच बताते हैं, सिर्फ आपके लिए। इसलिए बिना कंजूसी के लाइक करो। कैबरी टॉप ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है, जो एक से अधिक रोगों पर प्रिवेंटिव काम करता है। हम विस्तृत जानकारी के लिए पायरेक्लोस्ट्रोबिन और मेटराम की अलग अलग जानकारी बताएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं पायरेक्लोस्ट्रोबिन से। पायरेक्लोस्ट्रोबिन स्ट्रॉबिलरिंग ग्रुप का सिस्टेमिक फंजीसाइड है। जो किस तरीके से कंपनी में बनाया जाता है, इस रोचक जानकारी के लिए आपको हमारा नेटिवो का वीडियो बाद में देखना होगा, जिसकी लिंक हम यहाँ ऊपर दे रहे हैं। फंगस को जहाँ से ऊर्जा मिलती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पायरेक्लोस्ट्रोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के उस प्रवाह को रोकता है जिससे फंगस मर जाता है। अब रहा सवाल मेटराम का, तो मेटराम अन्य कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की तुलना में जल्दी और अच्छा घुलनशील है। यह मल्टीसाइड फंजीसाइड है, जो एक से ज़्यादा रोगों को रोकने की क्षमता रखता है। और तो और मेटराम में 14% जिंक भी होता है, जिससे हमें फंजीसाइड के साथ साथ जिंक के भी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। तो दोस्तों कैबरी टॉप स्प्रेइंग के बाद कम से कम 1 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए, जिससे इसके 100% रिजल्ट आ सके। मतलब कैबरी टॉप का रेन पासनेस 1 घंटे का है। दोस्तों किसी भी फसल के फ्लावरिंग स्टेज में कैबरी टॉप का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कैबरी टॉप में जिंक भी आता है और आपको पता ही है कि जिंक फ्लावरिंग में कैसी गड़बड़ करता है। दोस्तों यह सभी फसलों में चलता है। फसलों के नाम बता के मैं आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ, उतने वक्त में हम और कोई अच्छी जानकारी आपको दे सकते हैं। दोस्तों कैबरी टॉप ज़्यादातर टमाटर और प्याज में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी ब्लाइट के लिए, जो इन दोनों फसलों की प्रमुख समस्या है। ब्लाइट के साथ साथ यह एंथ्रेक्नोस, अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट पे अच्छा काम करता है। साथ में फसलों में पत्तियों के असमय पर झड़ने से रोकता है। इसे अंग्रेजी में प्रीमैच्योर लीफ फॉल कहते हैं। लगभग सभी केमिकल के साथ इसका कॉम्बिनेशन चल जाता है, लेकिन उससे पहले दोनों केमिकल थोड़ा मिलाकर देखें। अगर मिश्रण दूध की तरह नहीं फटता है तो स्प्रेइंग के लिए कॉम्बिनेशन चल जाएगा। डोज जानने से पहले जानते हैं आज की खास बात। दोस्तों कैबरी टॉप के अदर इंग्रेडिएंट्स में सिलिसिक एसिड है, जिससे पत्तियाँ बड़ी और रब बनती है। मतलब कैबरी टॉप के स्प्रेइंग से जिंक और सिलिकॉन का न्यूट्रिशन भी मिलता है, और यदि रोग आने पर फसल कमज़ोर हो जाती है तो ऐसे में टॉनिक के स्प्रेइंग से अच्छा कैबरी टॉप स्प्रेइंग करना है। अब चलते हैं डोज की तरफ। दोस्तों कैबरी टॉप 200 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करो, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो। जय जवान, जय किसान।